ये है जी बांस, और बांस के ऊपर कुछ खजूर की लकड़ियां वगैरह लगाई गई हैं, जो है ना वो खेती बाड़ी करते हैं और काम वगैरह करते हैं। से है जी ये घर का माहौल तमाम, तो ये देखें जी इस तरह से है जी ये घर। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक पाकिस्तानी हिंदू के घर का विजिट कराने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों का लाइफस्टाइल क्या है, उनके घर वगैरह कैसे हैं और किस तरह वो रहते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सामने ये जी इनकी गाय वगैरह बंधी हुई है जी, ये देख सकते हैं जी, ये है जी गाय। और इस तरफ इसके ऊपर एक छपरा टाइप बनाया हुआ है जी, ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि गर्मियों से महफूज रखने के लिए। ये देख सकते हैं इस तरह से ये है जो छता हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो एक मस्कट का दरख्त भी है, ये भी एक छाँव के लिए है। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जी छोटी सी एक लेली, देख सकते हैं जी ये बकरी है छोटी सी जी। तो चलें आगे आपको चल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरफ देख सकते हैं ये है जी खुरली, ये बंदर है और इस पे ये जानवर वगैरह बांधते हैं, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये जी खुरली है। तो इस पे जो जानवर वगैरह बांधा करते हैं ये हमारे भाई। तो आगे देख सकते हैं इस तरफ, ये है जी फ्रेंड्स नलका, जिसे जी हैंड पंप भी बोला जाता है। तो ये है जी नलका, और नलके के ऊपर ये देखें जी ये दरख्त, और इसे जो है वो कोनू का दरख्त कहते हैं, ये कोनू का दरख्त। और ये देखें फ्रेंड्स, एक ये गड़ा सा बनाया हुआ है, तो जो नलके का पानी होता है वो जो है वो इसमें जाता है, और फिर इससे जो है वो बाहर इस तरफ जो है वो छिड़क दिया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये है जी। तो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी इनकी बैठक वगैरह। ये है जी बैठक मेहमानों के लिए बनाई गई है जी, तो कुछ इस तरह सीन है जी इसका। ये देखें फ्रेंड्स, ये है जी चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं जी इसके अंदर, ये इस तरह से है फ्रेंड्स, ये चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, और इसके अंदर कुछ और सामान वगैरह भी रखा हुआ है जी। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये है जी फर्शी पंखे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यहाँ गरीब लोग होते हैं तो कूलर वगैरह नहीं होते, तो इस तरह ये वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मी वगैरह में ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इस तरह से है जी भाई वालों की बैठक। तो सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जग गिलास दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है जी जग गिलास, ये पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से है जी ये गिलास वगैरह, हमारे हिंदू भाई इस टाइप के ये गिलास वगैरह इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। और ये देख सकते हैं ये है जी कंडा, ये सामान तोलने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे भाई वालों ने रखा हुआ फ्रेंड। और ऊपर से देखें तो कुछ इस तरह से है ये छत इसकी, ऊपर जो है एक छत वाला पंखा लगा हुआ, बाकी गार्डर टियर है। तो इस तरफ देखें तो फ्रेंड यहाँ पर जो है ये बिजली का एक बोर्ड लगा हुआ, और इसमें एक बल्ब लगाया हुआ जी। तो इस तरह से है जी कुछ कंडीशन ये बैठक की। तो बाकी चल के दिखाते हैं इनका घर भी कुछ। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं जी सामने एक गेट लगा हुआ है जी, ये एक लकड़ी का गेट है, कच्चा गेट है, देख सकते हैं इस तरफ एक थंबा इसका इस तरफ बनाया गया, इसे फ्रेंड्स थंबा कहते हैं, और एक तरफ ये। और ऊपर देखें तो फ्रेंड ये एक रेड़ी का टायर है, जो कि टायर वगैरह टांगा गया फ्रेंड्स। इस तरफ देखें तो ये एक छपरा टाइप बनाया हुआ है, तो ये जो है वो ये जानवरों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे भी ये देखें थंबे वगैरह बनाए गए हैं, एक ये है और ये एक, और इसके ऊपर जो ये वो छत है जो कच्ची डाली गई है। तो देख सकते हैं आप अंदर से ना, ये है जी बांस, और बांस के ऊपर कुछ खजूर की लकड़ियाँ वगैरह लगाई गई हैं, और उसके नीचे एक गार्डर है। तो इस तरह से है जी कुछ ये छप्पर जानवरों के लिए। तो बाकी देख सकते हैं यहाँ पर ये जी भाई वालों के जानवर बांधे हुए हैं जी। ये देख सकते हैं ये है जी टोकरा, तो इसे हम टोकरा बोलते हैं, और इस ये है ना सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ जानवर वगैरह के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ढकने के लिए, या कोई सामान वगैरह होता है तो वो ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देख सकते हैं जी ये अलमारी, जो कि ज़्यादातर हमारे भाई किराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो है वो चीज़ें वगैरह रखते हैं। तो इस तरह से होती है, ये भी इधर इन्होंने भाई वालों ने रखी है फ्रेंड्स ये। और ये है जी साइकिल, और इस तरह से कुछ सामान वगैरह, तो ये इनकी बाइक है फ्रेंड्स। और इस तरफ है जी इनका रिक्शा, तो देख सकते हैं आप रिक्शा, और इस पे जो है अभी घास वगैरह रखा हुआ है, देखें ये कुतर के रखा हुआ फ्रेंड्स, ये है जी बरसीन का घास। तो ये भाई वालों ने जी कुतर के रखा हुआ है, एक भरी ये है और एक ये, और ये दो भरियां हैं। तो इस तरफ ये देखें तो ये है जी हाथ वाली रेड़ी, तो इसे हाथ वाली रेड़ी ये ज़्यादातर जो है वो मजदूरी में काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देख सकते हैं इस तरह एक इसका टायर होता है, और कुछ इस तरह से होती है, ये दो पकड़ने वाले होते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, और फिर ये है जी। तो बाकी ये देख सकते हैं इस तरफ भाई वालों के ये जानवर वगैरह हैं जी, और सामने जो है वो ये जानवरों की खुरलियाँ वगैरह, इस तरफ भी भाई वालों ने जानवर रखे हुए थे फ्रेंड। गांव में जो है वो ज़्यादातर जो है हमारे हिंदू जो है ना वो खेती बाड़ी करते हैं और काम वगैरह करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इनका जो ज़्यादातर पेशा है ये जानवर वगैरह रखते हैं और काम वगैरह करते हैं, तो इसलिए ये इन्होंने रखे हुए, इसलिए। और ज़मीन वगैरह रखी होती है तो घास वगैरह ले आके कुतर के रखते हैं। देख सकते हैं जी ये भाई वालों के कुछ जानवर वगैरह हैं। तो इस तरह से सीन है जी ये जानवर वगैरह।
और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी ये दो मस्कट के दरख्त लगाए गए हैं, ये जानवरों के लिए छाँव के लिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरफ देखें तो कुछ ये ईंटें वगैरह रखी हुई हैं जी भाई वालों ने, ये देखें जी इस तरह से। और बाकी फ्रेंड इस तरह से है जी ये घर का माहौल तमाम। तो ये देखें जी इस तरह से है जी ये घर।